मंडरेला कस्बे के पुरानी बस स्टैंड पर पिछले 5 महीने से जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटने से उपभोक्ताओं के साथ दुकानदार भी परेशान है। उपभोक्ताओं ने बताया कि जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटने से पानी की पूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, साथ ही कई बार गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे कि उपभोक्ता परेशान है। वहीं सड़क से पानी निकलने से भी दुकानदार परेशान है, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा दुकानदारों और धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता निशा को ज्ञापन सौंपकर समाधान करने की मांग की गई है। मंडरेला से पंकज रूंगटा की रिपोर्ट। जलदाय विभाग में पानी की जो बेफालतू में पानी नाली टूट के बह रहा है, उससे हम दुकानदार काफी परेशान हैं। जेईएन को लिखित में शिकायत दे चुके, उसके बाद उच्च अधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो ये पिछले दिनों कैंप लगा था, उसमें एसडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है, उसके बावजूद हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जा रहा है। सुबह और शाम दोनों टाइम जब भी पानी आता है, झाड़ू लेके एक आदमी खड़ा रहता है, पानी दुकानों में घुस रहा है, कई लाखों टन पानी बेकार में यहाँ बह रहा है, जबकि जनता इसके लिए प्यासी है।